السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. محترم ناظرين، حمد وصلاة کے بعد آج کی اس لائیو ملاقات میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ تین ایسے لوگوں کے بارے میں कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा और ना ही उनकी तरफ देखेगा और ना ही उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। इससे पहले मैं ऐसे छह लोगों के बारे में बता चुका हूँ, एक बार तीन और दूसरी बार तीन। पहली बार जो तीन किस्म के लोग जिनके बारे में ये वईदें सुनाई गई हैं, बूढ़ा जानी, झूठा बादशाह और मुतकब्बिर फकीर। फिर तीन मजीद लोगों का बयान, क़यामत के दिन बात नहीं करेगा और ना ही उनकी तरफ देखेगा और ना ही उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा, अपना कपड़ा टखने से नीचे लटकाने वाला। दूसरा एहसान जितलाने वाला और तीसरा झूठी कसम खाकर अपने सामान को बेचने वाला। आज मजीद तीन किस्म के लोगों का बयान या इसी तरह के तीन लोगों का जिक्र कि जिनके बारे में हदीस में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनसे बात नहीं करेगा और ना ही उनकी तरफ देखेगा और ना ही उन्हें पाक करेगा बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। इन मजीद इन तीन किस्म के लोगों का जिक्र जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में आया है, जिसके रावी मशहूर मारूफ जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, थलाथतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यन्ज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। कि तीन किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा और ना ही उन्हें पाक करेगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बात ना करने से क्या मुराद है, यानी रजामंदी की बात नहीं करेगा या ऐसे इसी तरह से ना देखने से क्या मुराद है, ये भी मैं बता चुका हूँ कि नजर रहमत और नजर शफकत मुराद है, यानी शफकत और रहमत की नजर से अल्लाह ताला उन्हें नहीं देखेगा। वला युज़क्कीहिम और उन्हें पाक नहीं करेगा, गुनाहों से गंदगियों से अल्लाह ताला उन्हें पाक नहीं करेगा बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। तो ये चार वईदें इस हदीस में भी सुनाई गई हैं तीन तरह के लोगों के लिए या तीन किस्म के लोगों के लिए। वो तीन किस्म के लोग कौन कौन से हैं? उनमें से एक वो शख्स होगा या उनमें से एक वो शख्स है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजुलुन كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل। कि एक वो शख्स जिसके पास रास्ते में जरूरत से ज्यादा पानी हो, हाजत से ज्यादा पानी हो और उसने किसी मुसाफिर को उस पानी के इस्तेमाल से या उस पानी को पीने से रोक दिया। रास्ते में किसी के पास जरूरत से और हाजत से अपनी हाजत और अपनी जरूरत से ज्यादा पानी हो और उस पानी से मुसाफिरों को जो है उसने रोक दिया या मुसाफिरों को मना कर दिया कि वो उस पानी को ना पिए या उस पानी को इस्तेमाल ना करें। तो ये पहला शख्स है। दूसरा शख्स कौन है? दूसरा शख्स वो है वरजुलुन बाया इमामन ला युबायिउहु इल्ला लिदुनिया फइन आताहु मिन्हा रदिया वइन लम युतिहि मिन्हा सखर। कि दूसरा वो शख्स है जो किसी इमाम या किसी हाकिम वक्त से बैत सिर्फ दुनिया के लिए करे कि अगर वो उसे कुछ दे दुनिया में से तो वो राजी रहे और अगर दुनिया में से कुछ ना दे तो वो खफा हो जाए, नाराज हो जाए। तो ये दूसरा शख्स है जो किसी हाकिम से या किसी इमाम वक्त से जो है दुनिया की खातिर या दुनियावी गायब के लिए बैत करे। तीसरा शख्स कौन है?
तीसरे शख्स का जिक्र इससे पहले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में आ चुका है, या इसी किस्म के शख्स का जिक्र इससे पहले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में बयान किया जा चुका है कि तीसरा वो शख्स है ورجل اقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا اله غيره لقد اعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل في اخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ایک آیت مبارکہ بھی پڑھی الى اخر الحديث. تیسرا وہ شخص ہے کہ جو اپنا بیچنے کا سامان عصر کے بعد لے کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا कि उस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मुझे उस सामान की कीमत इतनी इतनी मिल रही थी, या मैंने इस सामान की कीमत इतनी इतनी दी है, उस पर एक शख्स ने उसे सच समझा और उसकी बताई हुई कीमत पर उस सामान को खरीद लिया. तो इससे पहले भी अबू दर्द अल्लाह तआला की हदीस में ऐसे शख्स का जिक्र गुजर चुका है कि अल मुनफिक सिलातहु बिल हल्फ अल काज़िब, की झूठी कसम खा करके अपना सामान बेचने वाला. तो मेरे दोस्तों, तीन किस्म के लोगों का इस हदीस में भी बयान आया है और उनके बारे में जो वईदें सुनाई गई हैं वो ये है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन उनसे बात नहीं करेगा. और मैंने आप लोगों को बताया कि बात नहीं करने से मुराद ये है कि रजामंदी की बात नहीं करेगा और ना ही उनकी तरफ देखेगा यानी रहमत और शफकत की नज़र से, और ना ही उन्हें गुनाहों से पाक करेगा बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा. वो तीन किस्म के लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला शख्स, जैसा कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिसके पास दौरान सफर या रास्ते में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो और वो किसी मुसाफिर को उसके इस्तेमाल से, उसको पीने से रोक दे. अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो इस वईद के अंदर वो दाखिल है, यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे बात नहीं करेगा और ना ही उसकी तरफ देखेगा और ना ही उसे पाक करेगा, उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा. और इसमें हर तरह का मुसाफिर इसके अंदर दाखिल है, चाहे वो मजबूर हो यानी उसको ज़रूरत हो या मजबूर ना हो. अगर कोई शख्स जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा रास्ते में पानी है और मुसाफिर को उसे पीने से इस्तेमाल करने से रोक देता है, तो इस वईद के अंदर ऐसा शख्स दाखिल है जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया. और ज़रूरत से ज़्यादा पानी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दूसरी हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत से ज़्यादा पानी को बेचने से मना फरमाया है. और इसी तरह से एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, जिस हदीस को अहले इल्म कवी उसकी शवाहिद की बुनियाद पर कवी कहा है कि अलमुस्लिमून शुरका उफी तरह है, कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के शरीक हैं तीन चीज़ों में, अलमाउ वल खिरउ वन नार, पानी के अंदर और चरागाह के अंदर और आग के अंदर. यानी ये तीनों चीज़ें जो है किसी को इन तीनों चीज़ों से मना नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, बल्कि एक दूसरे के इसमें मुसलमान एक दूसरे के शरीक होते हैं. इस हदीस से तो पता ये चलता है, या हदीस के जाहिर से तो ये लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी से मुराद ये कि जब रास्ते में हो या सहरा के अंदर हो या इसी तरह से ऐसी जगह पर हो जहाँ जहाँ कोई किसी की खास मिल्कियत ना हो. लेकिन अगर ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर वो पानी किसी खास शख्स की मिल्कियत में है, तो क्या वो इस वईद के अंदर दाखिल होगा? तो इस सिलसिले में शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी ये सवाल पूछे कि अगर ये ज़ायद पानी, ज़रूरत से ज़्यादा पानी किसी शख्स की मिल्कियत में हो, एक तो रास्ते में ऐसे पानी था लेकिन वहाँ पीने से रोक दिया मुसाफिर को, तो इस वईद के अंदर दाखिल है, जैसा कि हदीस की ज़ाहिर से पता चलता है. लेकिन अगर कोई ये ज़ायद पानी किसी शख्स की मिल्कियत में हो, यानी उसके जो है पानी की टंकी उसके खास हो जिसमें उसने रखा हुआ हो, तो क्या वो इस वईद के अंदर दाखिल हो? अगर उसने किसी मुसाफिर को रोक दिया पानी इस्तेमाल करने से या पानी पीने से या पानी को देने से रोक दिया, तो क्या वो इस वईद के अंदर दाखिल हो? तो शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ज़रूरतमंद है कोई मुसाफिर
पानी पीने से रोक दिया या इस्तेमाल करने से रोक दिया तो इसके अंदर इस वहीद के अंदर दाखिल होगा, क्योंकि ऐसी हालत में उसके ऊपर वाजिब है कि वो पानी को खर्च करे और पीने से ना रोके। लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद नहीं है तो पता ये चलता है हदीस से कि वो इस वहीद के अंदर दाखिल नहीं होगा अगर मना कर दिया तो। दूसरा शख्स कौन है? दूसरा शख्स है जो किसी इमाम से या हाकिम से बैत करता है दुनिया की खातिर बैत करता है, और अगर वो दुनिया से उसे देता है, अगर हाकिम उसे कुछ देता है तो वो खुश होता है, और अगर नहीं देता है तो वो नाराज हो जाता है। इस हदीस से पता ये चला कि वो दुनियावी मकासिद और दुनियावी मसलात के खातिर बैत करता है, उसको दीन और इसी तरह से अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बंदगी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ दुनिया के खातिर जो है वो किसी हाकिम से बैत करता है और उसी को मियार बनाता है बैत करने का, तो फिर वो शख्स इस वहीद के अंदर दाखिल है। इससे पता ये चला कि अगर कोई आदमी किसी इमाम से या किसी हाकिम वक्त से दुनियावी मसलहत के खातिर बैत करता है और सिर्फ उसका मियार यही होता है तो फिर ये इस वहीद के अंदर दाखिल है, क्योंकि वो जो है उस हाकिम को धोखा देने वाला है और हाकिम को धोखा देना रियाया को धोखा देना है। और इसी तरह से इस हदीस के अंदर ये भी दलील मौजूद है या इस ये हदीस इस बात पर भी दलालत करती है कि हाकिम वक्त के को बैत करने के लिए बैत करने का जो बेहतरीन तरीका ये है कि आदमी उससे किताब सुन्नत पर बैत करे, किताब सुन्नत की खातिर बैत करे, दुनियावी गर्द वायद या दुनियावी मसला की खातिर बैत न करे। और तीसरा शख्स जिसका जिक्र सर्विस में आया है वो यह है कि जो अपना सामान असर की नमाज के बाद बेचे, यानी खरीद फरोख्त हो और असर की नमाज के बाद वो ये सामान बेचे और ये कसम खाए कि उसने इस तरह से इसको खरीदा है, इतने में उसको मिला है, इतने में कीमत इतनी कीमत उसकी अदा किया उसने, इसमें असर की बात का जिक्र आया है, यानी असर की बात की खसूसियत के साथ असर की बात का जिक्र इसलिए आया है जैसा कि बात ने लिखा है कि क्योंकि असर के बाद का वक्त बहुत ही अजीम वक्त है और उस वक्त में दिन और रात के फरिश्ते जमा होते हैं, इसीलिए इस वक्त को अख्तियार किया गया या इस वक्त में दिन के आमाल अल्लाह की बारगाह में उठाए जाते हैं असर के वक्त में, इसलिए इस वक्त का जिक्र किया। और क्योंकि असर की नमाज दरमियानी नमाज है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अल्लाह ताला ने कुरान में इसको खास तौर पर इसका जिक्र किया है, इसलिए असर की बात का जिक्र इस हदीस में किया गया है। तो एक शख्स असर की बात अपना सामान फरोख्त करता है और कसम खाता है कि ये सामान इतने में जबकि ऐसा नहीं होता, यानी उसके बरक्स झूठी कसम खाता है, तो फिर ऐसा शख्स और फिर दूसरा शख्स खरीदने वाला उसकी तस्दीक कर देता है और उसका सामान खरीद लेता है, तो ऐसा शख्स इस वहीद के अंदर दाखिल होगा, यानी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उससे बात नहीं करेगा और ना ही उसकी तरफ देखेगा और ना ही उसका तस्किया करेगा यानी उसे पाक करेगा और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। तो तीन किस्म के लोग, सबसे पहला शख्स यह है कि जो रास्ते में ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास पानी होने के बावजूद मुसाफिरों को उसके इस्तेमाल से उसको पीने से रोक देता है, ये पहला शख्स। दूसरा शख्स वो है जो किसी इमाम या हाकिम से दुनिया की खातिर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की खातिर बैत करता है और दुनिया से उसको जब कोई चीज़ मिलती है तो खुश होता है, नहीं मिलती है तो फिर वो नाराज़ हो जाता है। और तीसरा शख्स है जो असर के बाद अपना सामान झूठी कसम खा करके बेचता है और सामने वाला उससे धोखा खा करके उसका सामान खरीद लेता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तआला हमें इन अमाल से महफूज रखे जो इन तमाम मौईदों के सबब बनने वाले हैं, और अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक बख्शे। आमीन। वाफ़ुद रवाना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबी।